राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शैक्षिक संस्थानों को इस बात पर जोर दिया है कि वे अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने के लिए उसकी गोद लें, जिससे कि वहां पर आने वाले कुपोषित बच्चों की समुचित देखभाल हो सके। इसी क्रम में वाराणसी के अग्रसेन कन्या महाविद्यालय ने हरुआ ब्लॉक के परमानंदपुर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लिया है। महाविद्यालय ने वहां पर उपस्थित बच्चों को पोषण सामग्री वितरित की। कार्यक्रम के बारे में बताते हुए महाविद्यालय के प्रबंधक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय प्रशासन अपने स्तर से आंगनबाड़ी केंद्रों की समस्याओं के समाधान का प्रयास करेगा और समाज में कुपोषण जैसी समस्या से ग्रस्त बच्चों की देखभाल भी करेगा। ये विकासखंड ग्राम परमानंदपुर के जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इसे जो हमारा कॉलेज है महाराजा अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज, उसके द्वारा जो है गोद लिया गया है और उसी क्रम में यहाँ के बच्चों की देखरेख की जाती है। आज एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था जो कुपोषित बच्चे हैं उनको अलग से फल और बिस्कुट वितरण करने का, तो इसी क्रम में हम लोग आए हुए थे। फिर यहाँ पे और भी समस्याएं बताई गई, जैसे कि बच्चों को गर्मी लगती है, पंखे नहीं हैं और पेयजल की भी समस्या है। तो आज के इस अवसर पे कॉलेज प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस आंगनबाड़ी केंद्र को 4 पंखे दिए जाएंगे और जो हैंडपम्प यहाँ पर ख़राब है उसको भी ठीक कराया जाएगा।